चलो अभी ये क्वेश्चन बैलेंस करनी है तुम्हें, इक्वेशन बैलेंस करनी है, ट्राई करना है इसको। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, MnO4 नेगेटिव प्लस टोल्यूइन गिव्स MnO2, बेसिक मीडियम में बैलेंस करनी है, प्लस बेंजोइक एसिड। मीडियम बेसिक है, इसमें बैलेंस करनी है, देखते हैं कौन बैलेंस कर सकता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, Mg प्लस HNO3 गिव्स MgNO3 होल ट्वाइस प्लस N2O। ये इक्वेशन बैलेंस करनी, दो इक्वेशन दिए हैं, बैलेंस करो जल्दी से। सोच पा रहे हो रिएक्शंस, दोनों दोनों बैलेंस करनी है इक्वेशन। सर कौन सी मीडियम में करनी है बताना है इसको। पहली वाली बेसिक मीडियम में, बाकी किसी में भी कर दो। एक ये भी ट्राई कर लेना अगर कर सकते हो तो, Cu प्लस HNO3 गिव्स कॉपर नाइट्रेट प्लस NO प्लस NO2। ये लास्ट में करना, बिल्कुल H2 तो है ही, करो बैलेंस।
हाँ किसी ने किया क्या? अच्छा पहले दो क्वेश्चन कर लिए कि नहीं? बैलेंसिंग के, बैलेंसिंग सबने की हुई है, पहले दो क्वेश्चन कर लिए क्या? किसने यस सर, कर लिया है? सर मैंने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर निकाल लिए दोनों हाँ हाँ में, फर्स्ट और सेकंड में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बैलेंस नहीं किया पूरा समय। नहीं सर, चलो एक बार देखते हैं। चलो मैं पहले दो क्वेश्चन तुम्हें बता रहा हूँ, फिर थर्ड तुम ट्राई करोगे। देखो MnO4 नेगेटिव, बेंजीन के ऊपर CH3 था, बेंजीन के ऊपर CCH5 CH3, ये मतलब हो गया इसका, तो ये हो गया C7H8। C7H8 किसी को कोई डाउट तो नहीं है? इसके बाद हम करेंगे MnO2 प्लस C7H8 था, बेंजीन के ऊपर COOH था प्रोडक्ट में, यानी C6H5COOH, इसका मतलब C7H6O2। किसी को डाउट कोई इसमें? अब देखो बैलेंसिंग इसकी, MnO4 नेगेटिव से MnO2, तीन इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, 4 OH आयन्स इधर आएंगे, और 4 O2 6 O हैं, 4 O2 2H2 आ जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने बैलेंस कर ली, रिडक्शन आप, रिडक्शन आप बैलेंस कर दिया, अब ऑक्सीडेशन हाफ। ऑक्सीडेशन हाफ में C7H8 है और यहाँ पे C7H6O2 है, यहाँ चार्ज आ जाएगा -8/7, 7x+8=0, इसमें हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, स्टेट निकालते हैं, तो इसलिए -8/7 आ जाएगा। और इधर निकालोगे तो 7x+6-4=0, तो x आ जाएगा -2/7, -8/7, -2/7। कोई डाउट यहां तक किसी को? यहां तक किसी को कोई डाउट है? देखो सर, तो ये आ गया, अब इसको बैलेंस करना है, तो इधर आ गया पूरा चार्ज 7 × -8/7, 7 × -8/7 यानी -8, यहाँ पे -2/7 × 7 यानी -2, -8 से -2, इसलिए 6 इलेक्ट्रॉन इधर आए, 6 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, तो अब 6 इलेक्ट्रॉन आ गए, इसके बाद ये हटा देंगे इसको, तो 6 OH आयन्स इधर आ जाएंगे, 6 OH आयन्स ये इधर आ गए। अब बचा यहाँ पे 6 O और 6 H, 6 O और 6 H, H यहाँ पे 8 और थे, तो 6 O है, 14 H है, इधर है 6 O 6 H और 2 O, तो 2 O से ये कैंसिल हो गया, तो बचा 4 O, और 6 H कैंसिल हो गया, तो बचा 8 H, तो ये 4 H2 आ जाएगा, 4 H2 आ गया। अब मल्टीप्लाई करोगे इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाली क्वेश्चन को, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को ऐड करते हैं। कोई डाउट? ये किसी बच्चे ने किया था कि नहीं? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है सर। मैंने किया रिएक्शन को सर, मैंने भी किया था सर, मैंने भी किया था। चलो हैंड रेज करना जिसने कर लिया है। वंशिका ने कर लिया है, अंशिता ने, अंशिता तुम बोलते क्यों नहीं हो क्लास में? वंशिका, अंशिता, कनिष्क, समर्थ, अभिषेक, निवृत्ति, वेदांत, प्रथम, चलो 8-9 बच्चों ने कर लिया था ये, बाकी बच्चों को भी आना चाहिए क्योंकि ये सब हो चुका है। वन स्टेप बैलेंसिंग कर सकते हैं इसकी कि नहीं? देखो वन स्टेप बैलेंसिंग भी ट्राई करते हैं, इसको देखेंगे एक बार वन स्टेप बैलेंसिंग। हाँ ईशांक, देखो वन से बैलेंसिंग के लिए यहां से आ गए तो 3 इलेक्ट्रॉन, यहां से आ गए तो 6 इलेक्ट्रॉन, ये तुम्हें पता है, अभी हमने कर लिया है, सही ना, 6 इलेक्ट्रॉन आए थे ये, तो इसलिए इसको मल्टीप्लाई किया 2 से, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब उसके बाद चार्ज बैलेंस करेंगे, चार्ज है यहाँ पे 2 नेगेटिव का, दिख रहा है ना 2 नेगेटिव, ये 2 नेगेटिव है, तो 2 O चार्ज लगा दिया, बस अब एच और ओ चेक करेंगे, यहाँ पे ये 4 O हैं, ये 2 O, 6 O,
और दो ओ ये रहे, आठ ओ और दो एच है, आठ ओ है और दो एच है इधर, और ऊपर है आठ एच आठ ओ, आठ एच है आठ ओ है, आठ एच है और आठ ओ, यानी दो एच कैंसिल हो गए ये, तो सिक्स एच बचे, और सिक्स कुछ गड़बड़ हुई यहाँ पे, चार दो छः और दो आठ, एक मिनट, सिक्स एच है, एक बार चेक करना इसमें कहाँ पे गलती हुई है, सिक्स ओ आएगा ऊपर, दो ऊपर सिक्स ओ क्यों, ये टू इंटू फोर एट तो है सर, नीचे सिक्स ओ आएगा, नीचे आ गया टू इंटू टू फोर, फोर प्लस टू सिक्स, और सिक्स और टू ये रहे टू ओ चाइन्स के, एक बार देखने दोबारा देखें, एक बार दोबारा देखेंगे सर, यही आ रहा था वैसे आंसर, क्या आंसर सर, प्लस टू एच नेगेटिव ही तो है, हाँ प्लस टू एच नेगेटिव तो आ गया यहाँ पे, तो ये पूरी बैलेंस है क्वेश्चन, यस सर बैलेंस, एट अच्छा बैलेंस तो है, एट एच एट ओ है ऊपर, एट एच ये रहे ना, हाँ सही है पूरी बैलेंस है क्वेश्चन, एट एच एट ओ, तो ये बैलेंस वन से बैलेंसिंग और जल्दी हो जाएगी, थोड़ा सा ट्राई करेंगे तो जल्दी हो जाएगी, वो कोई मिस्टेक कई बार हो जाता है, मिस्टेक हो जाती है, तो क्लियर हो गया कि नहीं है, वन से बैलेंसिंग से आसानी से हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे आप, एम जी प्लस एच एन ओ थ्री, ये वाला क्वेश्चन कर लिया है, एम जी प्लस एच एन ओ थ्री, ये दे रहा है एम जी एन ओ थ्री होल ट्वाइस प्लस एन टू ओ, ये थोड़ा हिट एंड ट्रायल पे बेस्ड है, ये थोड़ा हिट एंड ट्रायल पे बेस्ड होता है, ध्यान देंगे, एम जी से एम जी एन ओ थ्री, ये किसी ने किया है क्या, यस सर हो गया, कैसे किया वेदांत सर, मैंने वन स्टेप से पहले एम जी और एम जी एन ओ थ्री वाले ऊपर दिया, उसके बाद हिट एंड ट्रायल से, अच्छा हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल से ही किया ना, ये हिट एंड ट्रायल से ही होगा, जैसे एम जी से एम जी टू प्लस बनाया मैंने, दो इलेक्ट्रॉन आएंगे और उसके बाद हाँ बिल्कुल ऐसे ही होगा, ये एच एन ओ थ्री है, बट जो सबसे सबसे डिफरेंट आइटम है ना उसकी बैलेंसिंग ध्यान रखनी है, जैसे एन की, एच एन ओ थ्री से क्या बन रहा है एन टू ओ, एच एन ओ थ्री से क्या बन रहा है एन टू ओ, तो ये टू एच एन ओ थ्री आ जाएगा, टू एच एन ओ थ्री आ जाएगा, एन टू आ गया, तो इसमें अगर हम बैलेंसिंग देखें तो यहाँ आएगा प्लस फाइव और यहाँ पे आया प्लस वन, तो टू इंटू प्लस फाइव प्लस टेन, टू इंटू प्लस फाइव प्लस टेन और ये प्लस टू, तो दो आठ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, आठ इलेक्ट्रॉन आ गए ना, तो इसको मल्टीप्लाई करो चार से और दोनों को ऐड कर दो, तो फोर एम जी प्लस टू एच एन ओ थ्री, फोर एम जी प्लस टू एच एन ओ थ्री गिव्स, फोर एम जी प्लस टू एच एन ओ थ्री गिव्स फोर एम जी टू प्लस, फोर एम जी टू प्लस को मैं एम जी एन ओ थ्री होल ट्वाइस लिख रहा हूँ, फोर एम जी एन ओ थ्री होल ट्वाइस प्लस एन टू, यहां तक तो किसी को डाउट नहीं है। अब इसमें जो सबसे डिफरेंट आइटम है ना एन, इसको चेक कर लो ये कितने हैं और डायरेक्ट लगा देना ऊपर, एन के आइटम यहाँ पे फोर इंटू टू एट है और टू टू यहाँ पे है, टेन है ना, तो टू को टेन बना दो बस, टेन एच एन ओ थ्री आ जाएगा। अब जो बच गया है वो एच और ओ है, उनको बैलेंस करना है, यहाँ पे दस एच है और थर्टी ओ है, दस एच थर्टी ओ, और नीचे क्या है, नीचे तुम चेक करोगे तो O है 24 प्लस 1 25, नीचे 25 O है, H तो है ही, नीचे 25 O है, तो 25 O से 30 O कैंसिल, तो 5 O बचे और 10 H यानी 5 H2 नीचे आ जाएगा, ऐसे किया वेदांत, यस सर, हाँ तो ये इस तरह से बैलेंसिंग करनी है इसकी, कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो ऐसे हिट एंड ट्राई लगा के बैलेंस करना थोड़ा सा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। अब एक क्वेश्चन मैंने और दिया था वो भी कर लिया क्या सबने, एक क्वेश्चन और दिया था मैंने, कॉपर प्लस एच एन ओ थ्री था, पहले मैंने एम जी प्लस एच एन ओ थ्री दिया, अब कॉपर प्लस एच एन ओ थ्री, तो ये तो एन के दो कंपाउंड बना रहा था, एन के दो कंपाउंड, कॉपर नाइट्रेट तो बनेगा ही जैसे मैग्नीशियम नाइट्रेट बना था, साथ में ये एनओ और एनओ टू भी बना रहा है, वाटर तो है ही, अब इसको तुम्हें बैलेंस करना था, ये किया किसी ने बैलेंस, यस सर हो गया, हो गया वेदांत, बता क्या आंसर आ रहा है सर, मैं कोफिशिएंट्स बता रहा हूँ, 2 6 2 1 1 3 सर, 2 6 2 1 1 3 और बैलेंस चेक कर लिया है, बैलेंस इक्वेशन,
यस सर शायद है, मैंने करके देखा था, करके देखे फिर तो सही है। और वेदांत के अलावा किसी ने बैलेंस किया इसको? इसमें कोफिशिएंट ही पूछेंगे, ध्यान रखना चीज का, बोलेगा यहाँ पे ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है और वाटर के साथ एफ है, तो ए बी सी डी ई एफ की वैल्यू क्या होगी? सही ना, ए बी सी डी ई एफ की वैल्यू क्या होगी? ये ट्राई किया सबने कि नहीं? देखो इधर, कॉपर से कॉपर टू सॉल्यूशन देखना इसका, कॉपर से बन रहा है कॉपर टू प्लस, कॉपर से कॉपर टू प्लस प्लस टू इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब एच एन ओ थ्री जो है वो दो चीजों में रिड्यूस हो रहा है, एक एनओ के अंदर, एक एनओ टू के अंदर, दो में रिड्यूस हो रहा है, एक एनओ में और एक एनओ टू। तो अब दो में तो ये टू ले लेंगे पहले, तो क्योंकि ताकि दोनों, या तो उधर दोनों साइड हाफ ऑफ लगा दो, यहाँ प्लस फाइव है, यहाँ दोनों को अलग अलग लिखो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो। प्लस फाइव, तो अब यहाँ पे प्लस फाइव से प्लस टू गया, तीन इलेक्ट्रॉन आ गए, ये वाला प्लस फाइव से प्लस फोर गया, एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो टोटल इलेक्ट्रॉन आ गए चार। ध्यान देंगे चार इलेक्ट्रॉन आ गए यहाँ पे, कोई डाउट यहां तक? मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे फोर इलेक्ट्रॉन, टू एच एन ओ थ्री और फोर, ये दिखा दिया मैंने डायरेक्ट, अब टू एच एन ओ थ्री फोर इलेक्ट्रॉन्स, ये सॉरी इस साइड आएंगे ना, फोर इलेक्ट्रॉन, फोर इलेक्ट्रॉन आ गए तो फोर एच प्लस। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? एच प्लस चाहो तो बाद में लगा देना, चाहो तो एच प्लस को बाद में लगा देना। अब उसको मल्टीप्लाई कैसे कर देंगे, टू से, टू से कर देंगे इसको एच प्लस, अगर लगाए तुम चाहो तो इसको फोर एच प्लस को फोर एच एन ओ थ्री लिख सकते हो, लेकिन अभी मैं एक बार ट्राई कर रहा हूँ वैसे ही हो जाए इसके बिना ही। इसको मल्टीप्लाई किया, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, टू कॉपर प्लस टू एच एन ओ थ्री गिव्स टू कॉपर टू प्लस नाइट्रेट, लिख दो कॉपर नाइट्रेट, कॉपर टू प्लस को प्लस एनओ प्लस एनओ टू, ये लिखा। अब उसके बाद मुझे दिख रहा है यहाँ पे चार नाइट्रोजन यहाँ पे हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, छह नाइट्रोजन है, तो बिना देखे छह बना दो, छह बना दो इसे, छह बना दिया इसको। छह बनाने के बाद अब सिक्स बनाने के बाद अब चेक करो ऑक्स वाटर, वाटर यहाँ पहले छह एच है, यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या गया है, छह एच और एटीन ओ, छह एच है एटीन ओ है, इधर ओ है ट्वेल्व ओ प्लस फोर्टीन ओ है और एच यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ से फोर्टीन ओ कैंसिल हो जाएगा तो फोर ओ बचेगा, उस गलत हुआ फिर तो यहाँ पे थ्री ओ बचेगा, यानी थ्री एच टू, थ्री एच टू, ये थ्री एच टू आ जाएगा, ये बैलेंस हो गई क्वेश्चन यहाँ पे, सही ना, थ्री एच टू ये क्वेश्चन बैलेंस है, और हम चाहते तो यहाँ पे फोर इलेक्ट्रॉन लिखा था ना, ये समझ आ गया सबको कि नहीं? ये वेदांत के अलावा किसी और ने किया था क्या सर? सर अगर जो फोर एच प्लस है फिर उसमें एनओ थ्री लगा के करना पड़ेगा? हाँ, फोर एच प्लस लगाते हैं, अगर मान लो मैंने फोर एच प्लस लगा दिया यहाँ पे, तो मेरे को फोर एनओ थ्री लगाना पड़ेगा, यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, फोर एनओ थ्री नेगेटिव, यानी फोर एच एनओ थ्री बन जाएगा ये। Yes, sir. तो ये 2HNO3 plus 2, 4HNO3, 6HNO3 हो जाएगा, कोई डाउट? Yes, sir, वो पहले से 6 बन जाएगा फिर। हाँ, वो पहले से 6 बन जाएगा, तो ये बात। ऐसी पीछे वाले में भी अगर चाहे ना, देखो उसमें भी शायद हो जाए ऐसा, तरीका तुम्हें बता दिया, इसमें सोचना खुद होता है। जैसे यहाँ पे अगर मैं MG वाला केस हो गया, HNO3 वाला, HNO3 8, ये 8 आया ना, अगर मैं 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गया और इसको मैं यहाँ पे 8H+ बना दूं, 8H+, 8H+ बना दिया, तो ये भी 8HNO3 बन जाएगा। देखो आ गया ना 10HNO3 इसका भी। Yes. आ जाएगा कि नहीं? 2HNO3 ये रहे और 8 ये रहे। चाहो तो नीचे डायरेक्ट N को देख करके 10 बना दो, नहीं तो यहीं पे 8H+ जो आएगा उसको 8HNO3 बना दो, उससे भी हो जाएगा।
कोई डाउट किसी को? किसी को कोई ये इन क्वेश्चंस में डाउट तो नहीं है? इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो वहां पे दिक्कत होती है करने में, तो इसलिए तुम्हें आना चाहिए। इक्वलेंट वेट वाले क्वेश्चन हमने काफी कर लिए हैं, इक्वलेंट वेट निकालना तुम्हें आ जाना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना कि इक्वलेंट वेट निकालना ना कुछ भी नहीं आता तो ट्राई करना या तो टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर निकाल लेना या फिर कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन। कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन निकालने के बाद किसी एक फैक्टर तुम्हें पता होगा फिर निकाल सकते हैं। मोल कंसेप्ट में भी सीखा हमने, मोल कंसेप्ट में भी सीखा हमने इक्वलेंट वेट निकालना, और रेडॉक्स में भी सीख लिया। दोनों में इंपॉर्टेंट है, दोनों में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे इस टाइप के क्वेश्चन मैंने तुम्हें मोल कंसेप्ट में बताए थे, CH4 में व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बन, NH3 में व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ नाइट्रोजन, याद है कि नहीं है? ध्यान है किसी को कि नहीं? देख बताओ जरा, देखते कौन बताता है। व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बन इन दिस कंपाउंड CH4, या व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ नाइट्रोजन इन दिस कंपाउंड? निकाला किसी ने आंसर? हाँ गणेश, वेदांत CH4 में 3 ग्राम आ रहा है, बिल्कुल सही है। अरे ये डेफिनेशन बिल्कुल स्टार्टिंग में जब इक्विवेलेंट वेट पढ़ाते हैं ना तब पढ़ाते हैं डेफिनेशन थी, नहीं याद है किसी को भी? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट डिस्प्लेसेस, हाँ सही है कनिष्क, नहीं याद है किसी को भी? ये डेफिनेशन क्या थी इसकी एन फैक्टर निकालने के लिए? इक्विवेलेंट वेट की डेफिनेशन क्या थी? देखो सर, डेफिनेशन थी इसकी इक्विवेलेंट मास की, इक्विवेलेंट मास की डेफिनेशन क्या मतलब क्या इसका यहाँ से पता लग जाएगा। अमाउंट बिल्कुल स्टार्टिंग में दी गई डेफिनेशन, ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट डिस्प्लेसेस, कुछ भी जैसे 1 ग्राम ऑफ
हाइड्रोजन, इसको डिस्प्लेस कर दे, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, इसको डिस्प्लेस कर दे, 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन, इसको डिस्प्लेस कर दे, या फिर 108 ग्राम ऑफ सिल्वर, नहीं याद ये, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो इनमें से किसी भी एक को डिस्प्लेस कर देगा उससे इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा। जैसे अब CH4 है, CH4 है, NH3 है, AgCl है, AgNO3 है, कोई भी कंपाउंड ले लो तुम उसमें, तो इसमें CH4 अगर मैं लेता हूँ तो देखो 12 ग्राम ऐसे लिखना, 4 ग्राम हाइड्रोजन जो है इसके अंदर वो 12 ग्राम कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करने के लिए, 1 ग्राम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करने के लिए या आने के लिए कितना कार्बन चाहिए, तो कितना आएगा 12/4 यानी 3 ग्राम, नहीं समझाई बात, ऐसे NH3 के साथ ऐसी इसके साथ 3 ग्राम हाइड्रोजन से 14 ग्राम नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करने के लिए कितना नाइट्रोजन चाहिए, 14/3 आंसर, नहीं समझ आया ये, नहीं याद डेफिनेशन, अरे इक्विवेलेंट कांसेप्ट नहीं आ रहे हैं, डेफिनेशन में बताइए ना इक्विवेलेंट कांसेप्ट की क्या डेफिनेशन है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट और ग्राम इक्विवेलेंट और ग्राम इक्विवेलेंट, इसी पे जाना है अगला टॉपिक हमारा, ये क्या होता है गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास ये है ना, तो अगर मैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को या ग्राम इक्विवेलेंट्स को 1 रख दूं तो गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास 1 हो गया, यानी इक्विवेलेंट मास जो है वो गिवन मास के इक्वल हो गया कि नहीं, जब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट या ग्राम इक्विवेलेंट 1 है, जब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट या ग्राम इक्विवेलेंट 1 है, यानी मास ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड एज इक्विवेलेंट मास, डेफिनेशन समझ आएगी नहीं, ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मैंने 1 रखा ना, तो यानी मास ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास, नहीं समझ आया ये, व्हेन ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 देन गिवन मास विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट मास, ऐसे बोल दो, जैसे नंबर ऑफ मोल्स में भी तो ये भी बोलते हो, नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास होता है, गिवन मास बाय मोलर मास, नंबर मोल्स को 1 रख दो तो क्या बोलते हो, 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस अगर है तो गिवन मास किसके इक्वल होगा, मोलर मास के, ये होता है कि नहीं ऐसा, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस क्या होता है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस क्या होगा, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस क्या होगा, मोलर मास, नहीं समझ आई बात, हां जी सर, तो यही ग्राम इक्विवेलेंट की डेफिनेशन, अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट है तो इक्विवेलेंट वेट के इक्वल होगा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट जो है वो इक्विवेलेंट वेट के इक्वल होगा, 1 मोल जो है वो मोलर वेट के इक्वल होगा, मॉलिक्यूलर मास के या मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल होगा, समझ आ गया कि नहीं है, तो ये अनफैक्टर का कांसेप्ट पूरा क्लियर हो गया कि नहीं अभी, अरे एक बार O2F2 में क्लोरीन का बता दीजिए, O2F2 में फ्लोरीन का इक्विवेलेंट मास, O2F2 में फ्लोरीन का इक्विवेलेंट मास, तो उसमें वैसे करना विधान, तो अब इसमें क्या कहते हैं, ये कितना 16 ग्राम है ना, ओल्ड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर रेडॉक्स हो रहा है तो फिर कुछ नहीं कह सकते, अगर इसमें रेडॉक्स हो रहा है जैसे O पे चार्ज प्लस 2 है इसके अंदर, प्लस 1 है, 2x-2, हाँ O पे चार्ज प्लस 1 है ना, यस सर, तो इधर n फैक्टर बदल जाएगा ना, तो वो 16/2 की जगह 16/1 हो जाएगा, अगर इसमें, हाँ ये तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आएगा ही नहीं ना, ये तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आएगा ही नहीं, क्योंकि OF2 होता है ना डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, O पे माइनस टू, F पे माइनस, O पे प्लस 2 और F पे माइनस 1 आएगा इसमें, O पे प्लस 2 है इसमें जैसे, और F पे माइनस 1, यस सर, इसमें तो प्लस 2 है लेकिन जैसे O2F2 है उसमें तो प्लस 1 आएगा, तो उधर उसका कैसे निकालेंगे इसमें फ्लोरीन का, क्योंकि इधर वो 8 ग्राम की जगह 16 ग्राम हो जाएगा, हां तो लेकिन अब ये ना, ये ओल्ड डेफिनेशन यूज नहीं कर सकते हम इसमें, या इसमें अगर क्वेश्चन आएगा तो रेडॉक्स चेंज के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, और नहीं तो तू अगर इसको डिसोसिएट कराएगा तो क्या मिलेगा इससे, मोल कंसेप्ट में अगर
इसको डिस्ट्रॉय कराएंगे तो ये तो अच्छा टूटेगा भी नहीं ना, ये तो सिंपल ही टूटेगा ऐसे। अगर इसको ऐसे तोड़े 2O plus 1 और 2F minus 1, है ना, 2O plus 1, 2F minus 1, तो ये 16 ग्राम आ जाएगा इसमें। यस सर, तो इसमें ये देखेंगे ना कि 16 ग्राम मास कितना फ्लोरीन कर रहा है, तो उस इक्विवेलेंट वेट निकलेगा। हाँ, ये तो हम अपनी डेफिनेशन बना रहे हैं, ये पुरानी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नहीं होगा ये। यस सर। चलो अभी यहाँ पे एन फैक्टर का कंसेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं? एन फैक्टर के काफी क्वेश्चंस ले लिए इसके अंदर, क्वेश्चंस बहुत सारे बन सकते हैं, जो बताया ना उसको ढंग से कर लेना बिल्कुल। और इसमें क्वेश्चंस मैंने चलो एक दो क्वेश्चन और लिख लेंगे, एक क्वेश्चन और लिखेंगे लास्ट, क्योंकि फिर नया कंसेप्ट ले नहीं सकते। मैं वीडियोस कुछ भेजूंगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के, वो भी 11th के सिलेबस में, वो भी तुम्हें करना है ना। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के मैं कुछ वीडियोस भेजूंगा, वो तुम्हें करने हैं, स्कूल में आ सकता है। स्पेशली उसमें क्वेश्चन क्या आना है, सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या होता है ना, सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन ये किसी ने पढ़ लिया रेडॉक्स में स्कूल में? किसी ने पढ़ा कि नहीं है? चलो एक क्वेश्चन निकाल दो जल्दी से। सपोज ये क्वेश्चन मैंने वीडियोस में भी दिया होगा, CO2S है और से सल्फेट आयन है, सल्फेट आयन इससे बना CO2 प्लस, प्लस वन से प्लस टू में गया और इससे बन गया से SO3 2-1। तो तुम्हें बताना है इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट क्या होगा CO2S, व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ CO2S? बोलना किसी को आंसर, इक्विवेलेंट वेट ऑफ CO2S क्या होगा सर? m अपॉन 2m। नहीं नहीं ये नहीं आंसर, सर m ही होगा। नहीं एम नहीं आंसर, वेदांत निकाला आंसर, चलो इस क्वेश्चन को ट्राई कर लेना, आंसर इसका बोलना है किसी को तो बोल दो, नहीं तो मैं बोल रहा हूँ आंसर। सर m by 8। ये किसने बोला है? सम्यक। बहुत अच्छे सम्यक, बिल्कुल सही आंसर है, m by 8 आएगा। इसको चेक करना, दोनों सब्सटेंस का इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। चलो नेक्स्ट टाइम करेंगे इसको, प्रिपेयर कर लेना इसको।